हेलो फ्रेंड्स जय क्लासेस परिवार मेरठ में आप सभी का स्वागत है मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं ईडी फर्स्ट तो फ्रेंड्स इस ब्रह्मास्त्र क्लास को जल्दी से जल्दी आप सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिसमें कि आपको कंप्लीट सिलेबस आपको पंद्रह दिन के अंदर कराया जा रहा है इस क्लास की जो मेन बात है वो ये है कि इस क्लास में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सभी कराए जा रहे हैं इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है आप सभी अपने फ्रेंड्स में इस बैच के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं और इस बैच को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस बैच के लिए जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो जो पढ़ते हैं तो उनके ये रिवीजन बैच साबित होगा और जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक बिल्कुल इंजीनियरिंग ड्राइंग को नहीं पढ़ा है वो विद इन फिफ्टीन डेज पढ़ने के बाद में सेमिस्टर एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे रेगुलर स्टूडेंट के साथ साथ जिन स्टूडेंट्स की लास्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक लगी है वो भी अगर पंद्रह दिन तक इस बैच को कंटिन्यू देखते हैं तो वो अपनी बैग को निकालने के साथ ही अच्छा स्कोर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में करेंगे तो फ्रेंड्स लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था लेटर राइटिंग के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं स्केल चैप्टर के बारे में तो बिना किसी बात की देरी किए सबसे पहले देख लेते हैं स्केल होता क्या है तो स्केल की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है स्केल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एनी साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को मेजर करते हैं स्केल कहलाता है फ्रेंड्स स्केल को बनाने के लिए आपके पास में छह चीजों का होना बहुत जरूरी है और ये छह चीजें आपकी स्क्रीन पर मैंने लिखी हुई हैं सबसे पहले साइज एक एक को मैं एक एक करके सभी को समझा दूंगा सबसे पहले देख लेते हैं साइज क्या होता है साइज के तीन पार्ट हैं फुल साइज रिड्यूस साइज इन साइज उसके बाद में सेकेंड है आपका टाइप्स टाइप्स में क्या क्या है कि आपका प्लेन स्केल है डायगोनल स्केल है वर्नियर स्केल है कॉर्ड स्केल है कंपेरेटिव स्केल है उसके बाद थर्ड पॉइंट पे जो चीज है वो आपके एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट उसके बाद में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है आपकी आर एफ जिसे आप बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव या निरूपक और छठे नंबर पर जो बात आपको पता होनी चाहिए वो बात है आपकी यूनिट तो एक एक करके इन सभी को समझ लेते हैं कि सभी होते क्या है तो सबसे पहले साइज के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड साइज जो है आपके स्केल का जैसे कि अगर आपके पास में कोई भी वस्तु है और उसका साइज अगर 15 सेंटीमीटर है और उसकी ड्राइंग आपसे बनाने के लिए कही जा रही है तो आप ड्राइंग पर उस 15 सेंटीमीटर की वस्तु को 15 की आसानी से बना सकते हैं यानि कोई वस्तु ऐसी है जो बहुत ज्यादा बड़ी है जैसे कि कोई फिफ्टी मीटर या हंड्रेड मीटर की कोई भी वस्तु है और उसको आपको शीट पर बनाना है तो आप उस फिफ्टी मीटर की वस्तु को हो सकता है एक मीटर या फिफ्टी सेंटीमीटर की बनाएंगे तो आपने उसके साइज को रिड्यूस कर दिया छोटा कर दिया है ड्राइंग शीट पर तो वो आपका रिड्यूज साइज स्केल हो जाएगा ऐसे ही इनलार्ज स्केल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कोई वस्तु जिसका साइज बहुत छोटा है और उसको ड्राइंग शीट पर आपको बहुत बड़ा करके बनाना है तो वो इनलार्ज स्केल जैसे कि आपके घड़ी के सेल या फिर कोई मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स या नट बोल्ट जिनका साइज जो है आपका एक एम एम तक होता है और उन्हें आप बढ़ा करके बनाते हैं तो ये आपका क्या होता है लार्ज स्केल हो जाता है उसके बाद टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि स्केल के टाइप जो है वो बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेकिन आपको जो पढ़ने हैं वो सिर्फ दो टाइप्स आपको पढ़ने हैं प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल ही आपको पढ़ना है प्लेन स्केल एक ऐसा स्केल है जो दो लगातार मापों को पढ़ता है दो यूनिट्स को पढ़ रहा होता है या एक माप को और उसके सब डिवीजन को पढ़ रहा होता है उसके बाद में डायगोनल स्केल क्या है डायगोनल स्केल एक ऐसा स्केल जो लगातार तीन मापों को पढ़ता है या एक माप और उसके उपभाग और उसके उपभाग के अंश को भी पढ़ता है वो डायगोनल स्केल होता है और इसे हिंदी में विकर्ण मापनी कहते हैं प्लेन स्केल को आप साधारण मापनी या सरल मापनी कहते हैं उसके बाद में आपका जो थर्ड पॉइंट आपको पता होना चाहिए एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट की आप स्केल बना रहे हैं उसके आपको एक्चुअल लेंथ पता होना चाहिए या कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसकी ड्राइंग शीट बना रहे हैं तो आप उसका आपको उसका एक्चुअल साइज पता होना चाहिए उसके बाद लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट यानी कि अगर आपने 50 मीटर की चीज को अगर आपने 50 सेंटीमीटर का बनाया है ड्राइंग शीट पे तो 50 मीटर आ हुआ आपका एक्चुअल साइज और 50 सेंटीमीटर जो हुआ वो आपका हुआ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका आर एफ आर एफ क्या होता है तो आर एफ जो है आपका फ्रेंड्स वो स्केल की जान होती है और यह क्वेश्चन जो है जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सभी आपके लिए एक क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है थ्योरी में अगर आपसे पूछ लेता है कि स्केल साइज के आधार पे कितने प्रकार का होता है आप बता सकते हैं फुल साइज 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 रिड्यूस स्केल के टाइप्स कितने होते हैं आप आराम से पांच टाइप्स हैं ये लिख सकते हैं उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि आर एफ क्या होता है तो इस आर एफ को समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको एक उदाहरण देंगे उससे पहले आप इन छह पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन्हें नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में तो फ्रेंड्स बात करते हैं आगे आर एफ के पॉइंट के लिए और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी ये ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है विद इन फिफ्टीन डेज आपके कोर्स को कंप्लीट कराने का टारगेट जो जेई क्लासेस ने लिया है इसको आप डेली का एक रूटीन बना लीजिए आपको ये सारी क्लासेस अटेंड करनी है अगर आपको अपने एग्जाम में टॉप करना है तो अपने सभी फ्रेंड्स में आप शेयर करेंगे बताएंगे उन्हें कि अगर आपने अभी तक कोई भी सब्जेक्ट छुआ तक नहीं है तो आप पंद्रह दिन में पढ़ करके कैसे टॉप कर सकते हैं वो फॉर्मूला जेई क्लासेस आपके लिए लेकर के आया है तो बात कर रहे हैं हम आरएफ के बारे में आर तो एफ को समझने के लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं कि सपोज कीजिए आपके पास एक वस्तु है जिसका साइज है हंड्रेड मीटर ठीक है मीटर साइज़ है तो जो आपने फोर्थ नंबर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपका एक्चुअल साइज है यहां पे मैं लिख देता हूं ये आपका एक्चुअल साइज है ठीक है उसके बाद आपने एक और पॉइंट पढ़ा था नंबर फिफ्थ पॉइंट पर सॉरी फोर्थ पॉइंट पर और वो पॉइंट था आपके पास में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट यानी कि इस 100 मीटर की वस्तु को अगर आप ड्राइंग शीट पर बनाते हैं अगर आपने इसे एक मीटर का बनाया है तो इस साइज को आपने कितने गुना कम कर दिया बेटा 100 गुना कम कर दिया जब आप इसने आपको इसने हंड्रेड गुना कम कर दिया तब जा करके आपने ये एक मीटर बनाया है तो जितने गुना आप एक्चुअल साइज को कम कर देते हैं या जितने गुना आप बढ़ा देते हैं वो आपकी क्या कहलाती है आर एफ कहलाती है यानी कि वही आपकी निरूपक भिन्न कहलाती है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं निरूपक भिन्न तो यहां से अब आप निरूपक भिन्न की डेफिनेशन लिख सकते हैं ये एक्चुअल साइज है साइज ऑन ड्राइंग शीट है साइज ऑन ड्राइंग शीट और अब अगर आपसे निरूपक भिन्न की डेफिनेशन पूछी जाए तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि निरूपक भिन्न जो है वो साइज ऑन ड्राइंग शीट अनु डिवाइडेड बाई एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि निरूपक भिन्न जो है वो एक अनुपात होता है किसी भी वस्तु के ड्राइंग शीट पर साइज का और उसके एक्चुअल साइज का ठीक है यह बात आपको अच्छी तरह से याद रखेंगे और यह बात आप लिख भी लेंगे इसको फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं अच्छे से कि आर एफ जो है आपके पास में होता क्या है यहां पे मैं फॉर्मूला वो आपके लिए लिख देता हूं कि निरूपक भिन्न इक्वल टू वस्तु की ड्रॉइंग शीट पर माप ड्रॉइंग शीट पर माप डिवाइडेड बाई वस्तु की वास्तविक माप वस्तु की वास्तविक माप निरूपक भिन्न के बारे में अगर डेफिनेशन आ जाती है तो क्या है यह एक अनुपात होता है वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप और वस्तु की वास्तविक माप का अब इसमें आपको करना क्या है कि निरूपक भिन्न विमाहीन राशि है यानी कि इसकी कोई विमा नहीं होती है विमाहीन राशि है सबसे पहली बात यानी कि जब भी अगर आप इसे लिखते हैं अगर मीटर में तो इस नीचे वाली चीज को भी मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे अगर इसे आप सेंटीमीटर में लिखते हैं तो नीचे वाली चीज को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और एक दूसरे से अंश और हर कट जाएगा तो यहां पे ये क्या बचेगी विमाहीन राशि बचेगी उसके बाद में उसके बाद में आपको जब भी निरूपक भिन्न लिखना है तो निरूपक भिन्न को आप वन अपॉन एन की फॉर्म में लिखेंगे कि हमेशा अंश जो होगा जो हमेशा अंश होगा वो आपका क्या रहेगा वन रहेगा और हर जो होगा वो एक संख्या हो जाएगी इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण कर लेते हैं जल्दी से मैं यहां पे एक एग्जांपल आपको बता देता हूं निरूपक भिन्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी ठीक है फ्रेंड्स तो निरूपक भिन्न को समझने के लिए यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल के एक वस्तु की वास्तविक माप 80 मीटर है जिसे ड्राइंग पर 8 एम द्वारा प्रदर्शित किया गया है इसकी निरूपक भिन्न बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आ सकता है आपको अच्छी तरह से निरूपक भिन्न हर क्वेश्चन की निकालनी आनी चाहिए कि एक वस्तु की वास्तविक माप 80 मीटर है यानी कि एक्चुअल साइज जो है वो क्या है एक्चुअल साइज आपके पास में क्या हो गया 80 मीटर और ड्राइंग शीट पर जो साइज है वो कितना है यहां पे आप लिखेंगे ड्राइंग शीट पर साइज ड्राइंग सीट पर ड्राइंग शीट साइज कितना है 8 एम mm. अब आपको क्या करना है सिर्फ निरूपक बिन्न निकालनी है फॉर्मूला आपको लगाना है कि यहां पे आप लिख लीजिए आर एफ का फॉर्मूला साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट कितना है आठ एम एम है आठ एम mm एम ऊपर लिख लिया ठीक है उसके बाद ये है अस्सी मीटर और अस्सी मीटर को अब आपको किस में चेंज करना है एमएम में चेंज करना है और जब आप एमएम में चेंज करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा अस्सी पहले आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए इसको फिर उसके बाद में एम एम में चेंज कर लीजिए तो अब आप आपके पास ये आठ से एक बार कट गया तो आपके पास निरूपक भिन्न क्या आ गई एक बटे दस और उसके बाद में तीन जीरो और तो ये आपके पास क्या हो गया आर एफ हो गया निश्चित रूप से आपको आर एफ समझ में आ गया होगा ठीक है अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए कि निरूपक भिन्न जो आपको निकालते कैसे हैं कि साइज ड्राइंग शीट पर उसके बाद में साइज उसका एक्चुअल उन दोनों का अनुपात कर दीजिए जो भी राशि है उनको एक जैसा कर दीजिए जैसे ये है, ये मीटर है है मीटर मीटर को कैसे चेंज करते हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि यूनिट का कन्वर्जेशन जो है वो आपको कैसे करना है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ यूनिट की तरफ यूनिट जो है आपके पास में किलो हेक्टो हेक्ट्रोडामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर आपको ये अच्छी तरह से याद होनी चाहिए और एक ही लाइन में याद होनी चाहिए जिस तरीके से इनका आपके पास सीक्वेंस है वैसे ही आपको याद होनी चाहिए छठे पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा यूनिट के बारे में जो आपने स्टार्टिंग में छह पॉइंट लिखे थे उनमें से पांच आपको क्लियर हो गए होंगे यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं अब लास्ट पॉइंट है ये आपका किलोमीटर उसके बाद में हेक्टोमीटर डेकामीटर अगर आपको ये सब पता है तो मेरे साथ साथ बोलिए किलो है किलोमीटर हेक्टोमीटर डेका मीटर किलो हेक्टो डेका उसके बाद में फिर ये मीटर आ जाएगा फिर उसके बाद में डेसी फिर उसके बाद में सेंटी और उसके बाद में मिली ठीक है उसके बाद में भी आपको मीटर लिखना है यहां पे भी आपको मीटर लिखना है ये भी आपको मीटर लिखना है और इनका सिक्वेंस ऐसे ही याद करना है ठीक है पंद्रह दिन अच्छी तरह से बस पढ़ लीजिए आपका काम हो जाएगा अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है और आपने पढ़ाई की है तो रिवीजन बस कर लीजिए जल्दी जल्दी बस रिवीजन करना है कि किलोमीटर हेक्टोमीटर डेसीमीटर मीटर, सेंटीमीटर मिलीमीटर इनको चेंज कैसे करते हैं वो आपको अगर चेंज करना है तो मीटर पे जाइए यहां पर लिख दीजिए एक और मीटर पे एक लिखने के बाद अगर आपको मीटर से नीचे वाली चीजें चाहिए तो जीरो बस एक एक लगाते जाइए ये सारी चीजें

एक हजार मीटर ये सारी चीजें आप आराम से किसी भी चीज को अगर आपको कन्वर्ट करना है उस पर एक लिखिए उसके बाद अगर नीचे जाना है तो जीरो लगाते जाइए ऊपर जाना है तो बट्टे में जीरो लगाते जाइए बहुत आसान है आराम से कर सकते हैं यहां से अब आपको पता चल गया है कि एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं एक मीटर में सौ मिली mm, एक हजार मिलीमीटर होते हैं एक किलोमीटर में एक हजार मीटर होते हैं ये सारी चीजें आप खुद से प्रैक्टिस करिए आपको रूटीन में आ जाएंगी और बड़े आराम से आप यूनिट को कन्वर्ट कर पाएंगे इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो आपसे सबसे ज्यादा यूनिट में पूछ लिया जाता है और वो है आपके सामने हेक्टोमीटर के सॉरी हेक्टेयर के बारे में कि आपके पास एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर टेन की पावर फोर मीटर स्क्वायर होते हैं ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डायगोनल स्केल के बारे में कि डायगोनल स्केल क्या होता है ठीक है सॉरी प्लेन स्केल के बारे में पहले बात करेंगे ये स्केल का कॉन्सेप्ट था उसके बाद में प्लेन स्केल के बारे में और प्लेन स्केल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि प्लेन स्केल जो है आपका वो एक ऐसा स्केल है जो दो लगातार मापों को पढ़ता है और वो दो लगातार मापे क्या हो सकती है वो आपको जो ये छह मापे बताई गई हैं सॉरी सात मापे जो आपको बताई गई है इन सात मापों में से कोई भी दो मापे हो सकती है किलोमीटर हेक्टोमीटर ये दोनों लगातार हो सकती हैं मीटर के बाद मीटर डेसीमीटर ये हो सकता है डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर भी हो सकता है डेसीमीटर सेंटीमीटर पूछ ले या फिर सेंटीमीटर या मिलीमीटर पूछ ले कोई भी दो लगातार मापे आपसे पूछ सकता है या फिर या फिर एक ही माप पूछता है जैसे कि मीटर ही कहता है तो उस मीटर के मेन पार्ट्स और सब डिवीजन पार्ट्स के बारे में पूछ सकता है जैसे कि जैसे कि अगर कोई 75 मीटर है ठीक है 75 मीटर है, अब इसको अगर आपको डिनोट करना है तो 10 के गुड़ज तो हो गए सात ठीक कि 10-10 के अगर आप पार्ट करोगे तो सात पार्ट हो गए और एक एक के पार्ट करोगे तो पांच पार्ट हो गए बात समझ में आ गई होगी आपको अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो 10 के गुड़ज में सात पार्ट एक के गुड़ज में पांच पार्ट ठीक है बेटा अगर आपको इन सभी बातों को डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप रेगुलर क्लासेस जो मेरी चली हैं उसमें स्केल पर जाइए और स्केल में मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में सारी चीजों को बताया है लेकिन अभी टाइम क्या है आपको जल्दी से सिर्फ और सिर्फ अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो टाइम सिर्फ यह है कि आप जल्दी से चीजों को रिवाइज करें और इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजों को आप निकालें और अपना पेपर देने चले जाएं आज आप स्केल मेरे साथ पढ़ रहे हैं सिर्फ आपको आज ही स्केल पढ़ना है इसके बाद में कल आप नया टॉपिक पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे आज आपका काम है कि आज आप स्केल पढ़ करके खत्म कर देंगे उसके बाद कल आप जो पढ़ेंगे वो नई चीज पढ़ेंगे ठीक है इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लेन स्केल के बारे में कि प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं उस कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा तो सबसे पहले प्लेन स्केल के कंस्ट्रक्शन के लिए लेंथ ऑफ स्केल निकालने की जरूरत पड़ती है लेंथ ऑफ स्केल निकालने की जरूरत पड़ती है यानी कि अगर आपसे कहा जाता है कि आप एक स्केल बनाइए तो आप सबसे पहले यह देखते हैं कि मैं स्केल की जो लाइन खींचूंगा ड्राइंग शीट पे, वो कितनी बड़ी लाइन खींचूंगा और उसके कितने भाग मुझे करने पड़ेंगे तो जो आप लाइन स्केल पे खींचेंगे वही जो लाइन है वो आपकी लेंथ ऑफ स्केल है और ये लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या है बहुत आसान फॉर्मूला है कि ये लेंथ ऑफ स्केल होती है आपकी आर एफ मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिम लेंथ मैक्सिमम लेंथ मेजर्ड बाई स्केल मेजर्ड बाई स्केल या फिर इसे मैं हिंदी में लिख देता हूं निरूपक भिन्न इंटू मापनी द्वारा मापनी द्वारा पढ़ी जाने वाली पढ़ी जाने वाली अधिकतम दूरी अधिकतम दूरी अब आराम से ये बस फॉर्मूला याद कर लीजिए निरूपक बेन इंटू मापनी द्वारा पढ़ी जाने वाली अधिकतम दूरी इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी लेंथ ऑफ स्केल क्या है मापनी की लंबाई मापनी की लंबाई अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखूंगा झट से उसे करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मापनी की लंबाई निकालते कैसे हैं ठीक है तो मापनी की लंबाई के लिए जो क्वेश्चन है मैं वो लिख रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके पास में कि एक स्केल ऐसा है जिसकी निरूपक भिन्न जो है वो एक बटे पांच है निरूपक भिन्न क्या है वो एक बटे पांच ये आपको कह दिया कि निरूपक भिन्न है ठीक है और मापनी पर पढ़ी जा सकने वाली जो अधिकतम दूरी है वो कह दिया उसने अस्सी मीटर है मापनी पर अधिकतम पढ़ी जाने वाली अधिकतम दूरी अस्सी मीटर अब आपसे कहा गया है मापनी की लंबाई ज्ञात करिए लेंथ ऑफ स्केल आपको निकालनी है मापनी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है तो मापनी की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला क्या है साहब फॉर्मूला है आपके पास में आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ ठीक है पूरा नहीं लिख रहा बस मैक्सिमम लेंथ लिख दे रहा हूं समझ जाएंगे आप इतनी बात पे अब आपके पास में आर एफ दे रखी है एक बटी पांच ठीक है सर एक बटी पांच मुझे आर एफ दे रखी है तो आर एफ की जगह पे आप एक बटी पांच लिख दीजिए ओके उसके बाद मैक्सिमम लेंथ क्या दे रखी है आपको अस्सी मीटर दे रखी है अस्सी मीटर दे रखी है ठीक है तो आप इस पे अब क्या करेंगे पांच मीटर से आप इसको काट दीजिए तो ये कितना हो गया सोलह मीटर यानी कि आपकी सोलह मीटर लेंथ ऑफ स्केल आएगी ठीक है इतनी नहीं आएगी जब आप स्केल पे बनाएंगे ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है इसको आप क्या कर सकते हैं मापनी पर पड़ी जा सकने वाली दूरी इसको आप कम कर सकते हैं या इसको बढ़ा सकते हैं इसे बढ़ा देता हूं मैं एक बटे पांच सौ इसे कर देता हूं ठीक है एक बटे पांच सौ में इसे कर दे रहा हूं और इसको अस्सी मीटर ही रहने देता हूं तब देखिए जब आप इसे देखेंगे तब क्या होगा यहां पर ये मैं कर देता हूं पांच सौ एक बटे पांच सौ है और अब क्या करना है आपको एक बटे पांच सौ ये रहेगा इस 80 मीटर को आप चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 80 इंटू हंड्रेड ओके ये दो से दो काट दीजिए ये कट गया यहां से आया अब 16 सेंटीमीटर हो गया ठीक है अब ठीक है अब मापने की जो लंबाई है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर है यहां पे 80 मीटर बात समझ में आ गई कि यानी कि एक बटी पांच सौ निरूपक भिन्न है और अधिकतम पड़ी जाने वाली अगर अधिकतम दूरी अगर अस्सी मीटर है तो उस पर मापने की लंबाई जो आप बनाएंगे वो कितनी होगी सेंटीमीटर होगी और इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा दूँ की दूरी को प्रदर्शित करिए तो क्या हो जाएगा कि आप जो सो, सोलह सेंटीमीटर की मापनी रेख रेखा खींचेंगे उसके आठ बराबर भाग करेंगे जो प्रत्येक भाग दस दस मीटर की दूरी को पड़ेगा फिर उस दस मीटर की जो दूरी है उसको आप दस भागों में फिर से विभाजित करेंगे और उसको आपको क्या करना है वो जो प्रत्येक छोटा छोटा भाग है वो एक एक मीटर की डिस्टेंस को पड़ेगा और फिर आप उस पर सेवन मीटर की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर पाएंगे ठीक है तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है देख लेते हैं अभी एक प्लेन स्केल का क्वेश्चन हम कर लेते हैं और प्लेन स्केल का क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें आसानी से सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी और लास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन में आपसे जो है कराने वाला हूं लास्ट ईयर दो में ये क्वेश्चन आया है जो आपकी स्क्रीन पे अभी आएगा और इसको हम ड्रॉ करेंगे ठीक है इसका कंस्ट्रक्शन हम देखने वाले हैं तो ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आया है कि एक सेंटीमीटर बराबर एक मीटर वाले प्लेन स्केल को बनाइए जिसमें मीटर एवं डेसीमीटर की दूरी पढ़ी जा सके और यह चौदह मीटर तक माप सके इस स्केल पर 12.4 सेंटीमीटर दूरी को दर्शाइए ठीक है, है ये क्वेश्चन है आप जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं यहां पे लिख लेता हूं देखो सबसे पहले क्या है एक सेंटीमीटर बराबर एक मीटर है यानी कि ड्राइंग शीट पर एक सेंटीमीटर बनाना है और जो कि वास्तविकता में है कितना एक मीटर तो आर एफ मेरी कितनी हो गई एक सेंटीमीटर यहां पे और यहां पे एक मीटर अब मुझे ये करने सेम तो वन सेंटीमीटर अपॉन ऑन हंड्रेड सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मैंने काट दिया तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि ये हो गया हंड्रेड आर एफ ठीक है वन अपॉन हंड्रेड ये मेरे पास आर एफ निकल के आ गई ओके मैक्सिमम लेंथ देख लो इस क्वेश्चन में कहां है कहां पे दिखाई दे रही है मैक्सिमम लेंथ चौदह मीटर तक माप सके मैक्सिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ कहां आ गई चौदह मीटर ओके okay. उसके बाद में दूरी जो दर्शानी है दर्शाई जाने वाली दूरी कितनी है 12.4, 12 मीटर मुझे इस पे दर्शाना है ठीक है तो अब मैं स्टार्ट करता हूं कंस्ट्रक्शन इसका तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं निकाल लेता हूँ लेंथ ऑफ स्केल और लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए आपको पता है एल ओ एस मैं उसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ स्केल को ठीक है समझ जाएंगे आप सभी लोग और ये आर एफ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ जो अभी मैंने किया था वही करना है बस आर एफ की जगह पे वन अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई फोर्टीन मीटर फोर्टीन मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए यहीं पे सीधा हंड्रेड कर दीजिए ठीक है मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में तो एक मीटर बराबर हंड्रेड सेंटीमीटर और इस हंड्रेड से काट दीजिए इस हंड्रेड को और ये आपके पास आ गया फोर्टीन सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल इतना काम तो पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके थे अब यहां से आगे का कैसे करना है यहां से आगे का जो काम करना है वो बेटा करना है मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से मिनी ड्राफ्टर उठाइए ड्राइंग बोर्ड पे लगाइए ड्राइंग शीट के साथ में सेट करिए और उसके बाद तीनों पेंसिल अपनी रख लीजिए अपने पास में सारे इंस्ट्रूमेंट अपने पास में रखने के बाद एक 14 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए और उस 14 सेंटीमीटर की लाइन को 14 बराबर भागों में विभाजित कर लीजिए 14 भागों में विभाजित क्यों करना है सर क्योंकि इस पे मैक्सिमम लेंथ 14 मीटर पड़नी है जितनी मैक्सिमम लेंथ पढ़नी है उतने बराबर भाग कर लीजिए अब कहेंगे सर आपके अगर इस पे 80 मीटर पढ़ना होता तो क्या मैं 80 भाग करता जी बिल्कुल नहीं फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि उस पर दर्शाया कितना जाना है दर्शाया जितना जाना है उसके अकॉर्डिंग भाग करने हैं जैसे कि इस पे ट्वेल्व पॉइंट फोर दर्शाना है तो अब एक एक भाग तो मेरा बारह मीटर को दिखाएगा और उसका छोटा वाला भाग जो है वो पॉइंट फोर को दिखाएगा और अगर क्वेश्चन ने ये कहा होता कि अस्सी मीटर तक पढ़ी पढ़ी जा सके मैक्सिमम और उसपे सेवेंटी फाइव दिखाइए तो उसपे आठ भाग में करता जिसका कि प्रत्येक भाग आपको दिखाता दस दस मीटर तो अस्सी मीटर सत्तर तो मीटर दिखाने के लिए तो मेरे सात भाग काम आ जाते फिर उसके बाद में जो छोटा वाला भाग है उसको जब मैं बनाता तो वो क्या हो जाता मेरा एक छोटा हिस्सा एक मीटर को दिखाता और मैं वहां से 75 को दिखा देता ठीक है तो आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्लेन स्केल का ओके? ये सारी चीजें आपको पता है ये सारी चीजें आप नोट कर लेना ठीक है यहां से ये 14 सेंटीमीटर जो आया है ओके और किसी भी लाइन को कितने पार्ट में बराबर भागों में विभाजित करना है ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ओके थोड़ा सा ऊपर मैं ले रहा हूं इसलिए क्योंकि 14 मुझे बारह बराबर भाग करने हैं और इसे थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं क्योंकि ये आपको विजिबल रहे ठीक है ये लाइन खींचने के बाद यह लाइन अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो थोड़ा सा और मैं डार्क कर लेता हूं इसे अब इस लाइन को आपको एक रेक्टेंगल में बंद करना है और वो जो रेक्टेंगल है वो 15 एम mm से लेकर के 20 एम mm तक कुछ भी हो सकता है 15 एम mm से लेकर के 20 एम mm तक आप उसकी हाइट कुछ भी रख सकते हैं तो यहां पे मैं एक रेक्टेंगल में इस लाइन को बंद कर रहा हूं ठीक है ओके यहां और ये जो लाइन है आपकी वो फोर्टीन सेंटीमीटर लंबी लाइन है ये लाइन मैंने बड़ी इसलिए बनाई है क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ पे फोर्टीन सेंटीमीटर बना के दिखाऊंगा तो वो आपको बेटा दिखाई नहीं देगी इसलिए मैंने ये लाइन जो है बड़ी ली है आप इसे 14 सेंटीमीटर की मानेंगे और आप 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बाद इस लाइन को 14 बराबर भागों में विभाजित मुझे करना है तो इसके लिए मैं न्यून कोण पे एक लाइन डालूंगा न्यून कोण पे आप मिनी ड्राफ्टर से एक लाइन खींचेंगे और वो टू एच पेंसिल से खींचेंगे ठीक है तो मैं यहां पे अगर आपको दिखाई दे तो ब्लू मार्कर से वो लाइन में खींच देता हूं जिससे कि वो आपको दिखाई देगी तो यहां से ये लाइन न्यून कोण पे खींची गई ठीक है और थोड़ा सा नीचे क्योंकि फोर्टीन भाग इसके करने हैं तो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए लाइन ठीक है ओके अब आपको प्रकार से इस लाइन के 14 बराबर भाग करने हैं तो 14 बराबर भाग करने के लिए यहां से आप करेंगे तो एक नौ नौ के मैं करता हूं दो अठारह नौतीस सत्ताइस नौ चौक छत्तीस नौ पंज पैंतालीस चौवन सठ बहत्तर और उसके बाद फिर से और दस और उसके बाद में फिर यह ग्यारह और बारह तो ये भाग जो है आपके बारह उपाय हैं इसमें ठीक है उसके बाद नीचे जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा इसके भाग आपको जो करने हैं वो फोर्टीन करने हैं मैं थोड़ा सा छोटे पार्ट कर लेता हूँ इनके जिससे आपको विजिबल रहे तो मैं पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस चालीस पैंतालीस पचास पचपन पच्च साठ तिरपन पैंसठ सत्तर यहाँ तक मैं ले लेता हूँ आपके ठीक है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बराबर है ऐसे कम हो ठीक है इसके भाग करने के बाद में अब फिर जो भी लास्ट वाला जो पार्ट होगा आपका उस लास्ट पार्ट को आप इसके लास्ट पार्ट से क्या करेंगे वो मिला देंगे ठीक है जितने भी अगर आपके भाग हैं चौदह भाग करने के बाद इन सभी को आप क्या करेंगे वो आप लास्ट पॉइंट को इसके लास्ट भाग से मिनी ड्राफ्टर को टाइट करके आप यहां पर मिला देंगे ठीक है तो ये वाला पॉइंट इस तरीके से और ये वाला पॉइंट यहां पे आप इसे मिला देंगे और यहां पे रखने के बाद अपने मिनी ड्राफ्टर को एकदम टाइट कर देंगे और जितनी भी लाइन होंगी वो सभी इसी के समांतर होनी चाहिए मिनी ड्राफ्टर का जो स्क्रू है उसको नहीं हिलाना है उसको टाइट कर देना है एकदम और जितनी ये लाइन हैं ये सभी लाइने एक दूसरे से पैरल आएंगी और यहाँ से ये सभी पॉइंट आप जो है ऊपर ऐसे मिलाते चले जाएंगे इस तरीके से और ये सभी पॉइंट जो होंगे वो टू एच पेंसिल से आपको मिलाने हैं ये सभी पॉइंट्स आपको टू एच पेंसिल से ही मिलाने हैं और ये सारे पॉइंट्स मिलाने के बाद इन पे आप कर देंगे नंबरिंग ठीक है ये पॉइंट्स आपको इस तरीके से मिला देने हैं सभी जो भी आपके आर्क के पॉइंट आए हैं ये करने के बाद उसके बाद ये जितनी भी आपकी लाइनें हैं इन सभी लाइनों को आप क्या करेंगे इसे यही रहने दीजिए ओके और इन सभी पॉइंट्स को आप मिला देंगे ऊपर यहां पे ऊपर ऐसे ही इसको ऊपर मिलाना है और इसको जो मिलाना है आपको एच बी पेंसिल से मिलाना है ठीक है एच बी पेंसिल से मिलाना है तो मैं ब्लैक मार्कर इसमें यूज कर लेता हूं यहां पे ठीक है ये सभी ये सारे पॉइंट्स आप ऊपर मिला देंगे ये सारे पॉइंट्स आप ऊपर मिलाएंगे 90 डिग्री के एंगल पे और इतना काम करने के बाद इन सभी पे आप नंबरिंग करेंगे यहां पे लिखेंगे जीरो ये वन ये टू यहां पे थ्री ये फोर उसके बाद ये फाइव ये सिक्स ये सेवन ये एट ये नाइन और ये टेन ठीक है यहां पे ये दस भाग हो पाए हैं तो ये आपको जो करना है ये नीचे यहां पे एक और लाइन जाएगी बोर्ड जो है वो इतना है नहीं कि आप जो है नीचे फोर्टीन भाग हो सके और वहां पे आपको जो है टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन भाग तक आपको मिलाना है फिर उसके बाद ये जो छोटा भाग है इस छोटे भाग को आपको क्या करना है दस भागों में विभाजित करना है और दस भागों में जो विभाजित करेंगे वो कैसे करेंगे फिर से एक एक्यूट लाइन डालेंगे फिर से एक एक्यूट एंगल पे लाइन उसके बाद फिर इसके दस भाग कैसे करेंगे कि आप स्केल से मेजर कर लेंगे दस भागों को इस तरीके से तो पांच पांच एम पे आप निशान लगा दीजिए दस ठीक है पांच पांच एम पे आप लगाएंगे तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और ये दस और फिर ये जो दसवा हिस्सा आया है इसको मिला देंगे आप लास्ट पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है इसको लास्ट पॉइंट से आप मिला दीजिए ऐसे ही मिनी ड्राफ्टर को आप पैरल करेंगे और ये सारे पॉइंट्स आप ऊपर मिलाते हुए चले जाएंगे ये सारे पॉइंट्स आप यहां पे मिला देंगे इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स आप ऊपर यहां मिला दीजिए ठीक है अब यहां पे जितना आपने ये लिया है उसके या तो एक चौथाई या फिर यहां से पांच एमएम mm की डिस्टेंस पे एक लाइन यहां पर खींच लीजिए पांच mm की डिस्टेंस पे ये लाइन खींचने के बाद ये जितने भी आपने इंक्लाइंड लाइन मिलाई हैं इन सभी लाइनों को इस लाइन तक आप मिला दीजिए ऊपर ये लाइन मिला दीजिए यहां पे ये लाइन यहां पे ये सभी लाइन जो हैं आप इन्हें वर्टिकल डिस्टेंस में सभी को मिला देंगे ये लाइन आप मिला देंगे ओके okay, इसके बाद यहां पे जो नंबरिंग आप करने वाले हैं जीरो ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन ये एट ये नाइन और ये लास्ट में टेन हो जाएगा यानी कि जो आपने जो ये बड़े बड़े भाले भाग हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये सभी जो आपके भाग हैं ये आपके सेंटीमीटर को पढ़ रहे हैं और सेंटीमीटर से जो छोटी यूनिट है मिलीमीटर को जो ये छोटे छोटे भाग पढ़ रहे हैं अब इस पर अगर आपसे कहा जा रहा है कि 9.8 को पढ़िए तो 9 सेंटीमीटर तो आप यहां से पढ़ेंगे और 8 को पढ़ना है 9.8 को तो 8 एम mm एम आप यहां से पढ़ेंगे तो यह दूरी दिखाने के लिए आप क्या करेंगे कि यहां से एक लाइन ऊपर ले जाएंगे और यहां से एक लाइन लेंगे तो यहां पे आप 9.8 सेंटीमीटर दिखा देंगे ठीक है कैसे करते हैं देख लेते हैं एक बार ऊपर आपके पास में जगह है ठीक है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 12.4 के लिए ठीक है तो बेटा 12.4 के लिए पहले आपको इसके 14 भाग करने पड़ेंगे और जैसे मैं यहाँ पे 9.8 आपको दिखा रहा हूं ऐसे ही आप 12 वाले हिस्से पे जाएंगे और 4 वाले हिस्से पे ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे क्योंकि इसके भाग जो है वो 14 नहीं हो पाएंगे क्योंकि बोर्ड जो है फिर आपको अगर मैं ये छोटे छोटे भाग कर देता तो आपको दिखाई नहीं देता समझ में नहीं आता इसलिए आपको करना सिर्फ ऐसे ही है जैसे मैं आपको बता रहा हूं बस आपको क्या करना है कि आपको अपनी ड्राइंग शीट पे 14 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है उसके 14 डिवाइड भाग करने हैं और उसमें से जो बारहवा हिस्सा होगा और फिर जो आपने जीरो से लेकर के एक तक का ये वाला जो हिस्सा है इसके दस पार्ट किए हैं उसके आप चौथे हिस्से को आप दिखा देंगे और दिखाना कैसे है वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं ठीक है तो आप बिल्कुल ये ना घबराइए कि सर यहाँ पे जो है आपने वो वाली चीज नहीं दिखाई है तो चीजों का कॉन्सेप्ट सब वही है और आप डिटेल में ये सब बातें अगर पढ़ना चाहते हैं कि डिटेल में अगर मुझे ये सब चीजें पता चले तो प्रीवियस वीडियो वीडियोस जो है आप वो मेरी देख सकते हैं स्केल वाली जा करके और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब ये लाइन खींचने के बाद ये जो लाइन है वो आपकी अपर लाइन से थोड़ा पांच एम एम ऊपर होनी चाहिए सीधी लाइन होनी चाहिए और इस लाइन के बनाने के बाद अब आपको क्या करना है यहां पे बनाने हैं एरोज जो एरोज हैं वो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं तीन अनुपात एक या अनुपात एक के अनुपात में आपको एरोज बनाने हैं तो एरो बनाने के लिए आपको क्या करना है हॉरिजेंटल में छ चलना है उसके बाद फिर आपको ये आप वर्टिकल में एक जाएंगे और यहां से ये पॉइंट्स आप मिला देंगे जैसे ये डिस्टेंस है तो यहां से ये वाला पॉइंट आप मिला देंगे और उसके बाद ये वाला पॉइंट आप मिला देंगे ओके उसके बाद ऐसे ही आप इधर भी एरो बना देंगे और ये आप यहां पे दिखा देंगे ठीक है तो यहां पे जो आप डिस्टेंस लिखेंगे कि यहां पे आप ये वाले पॉइंट्स को आप ऊपर ले जा सकते हैं यहां पे इस तरीके से तो आप यहां पे लिख सकते हैं नाइन सेंटीमीटर एंड एट डेसीमीटर यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं बाकी आपको यहां पे जो लिखना है तो यहां पे आप दो लाइन इस तरीके से खींचेंगे कि आपको अच्छे से दिखाई दे इसकी थिकनेस जो रखेंगे आप वो कुछ भी रख सकते हैं एक सेंटीमीटर भी रख सकते हैं एट एम एम रख सकते हैं और यहां पे आप लिख देंगे कैपिटल लेटर में मीटर ठीक है मीटर कि ये जो यूनिट है आपकी वो क्या दिखा रही है मीटर को दिखा रही है और इधर आएंगे आप इधर भी आप उतनी ही विड्थ में यहां पे जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर सॉरी ये जो है आपका सेंटीमीटर है ये मैंने गलती कर दिया यहां पे ये जो लिखना है आपको सेंटीमीटर लिखना है कि ये सेंटीमीटर दिखा रहा है ठीक है ई एन टी आई एम ई आर ये पूरा आपको लिखना है ठीक है यहां पे सेंटीमीटर आपको पूरा लिखना है ऐसे ही मिलीमीटर आपको यहां पूरा लिखना है कि मिली मीटर ये सारी चीजें आपको एज इट इज ही लिखनी है उसके बाद उसके बाद आपको क्या लिखना है यहां से एक लाइन खींचेंगे यहां से एक लाइन खींचेंगे और एक लेंथ लिख करने के बाद यहां पे आप ओ एस लिखेंगे जो आपकी लेंथ ऑफ स्केल है 14 सेंटीमीटर यहां पे आप एक लाइन यहां खींचिए और एक लाइन आप यहां खींचिए और यहां पे आप सीधी लाइन खींचने के बाद और ये सारी चीज आप जो करेंगे वो एच पेंसिल से करेंगे ठीक है एच पेंसिल से ये सारी चीजें करेंगे तो ये वाला जो है मैं लिख बना देता हूं आपका ये डिस्टेंस ये करने के बाद फिर से यहाँ पे वही एरो आप बनाएंगे अच्छे से ठीक है ये एरोज ऐसे बनाने हैं आपको एरो बनाने की अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एरो बनाने में बहुत जल्दबाजी करते हैं और सीधे आप ऐसे ही एरो बना आते हैं जिस तरीके से रफली होता है यहाँ पे आपको रफली कुछ भी काम नहीं करना है आपको सारी चीजें सिस्टेमेटिक करनी है ठीक है एरो बनाने के बाद उसके अंदर हैचिंग भी कर सकते हैं और वो हैचिंग ऐसी ना करें कि आपकी बहुत ज़्यादा डार्क लगे ठीक है हल्की हैचिंग करनी है ये एरोज को आप ऐसे फिल कर देंगे ऐसे ही इधर भी एरो को मैं फिल कर देता हूं ये सारे काम आप बहुत सावधानी से करेंगे ड्राइंग जो है वो आपकी बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए आप जो पेंसिल का इस्तेमाल करें आप उस पेंसिल को बार बार ना चलाएं सिर्फ एक ही बार सिंगल स्ट्रोक में उसे चलाएं और यहां पे आप एल लिख देंगे एल ओ एस लेंथ ऑफ स्केल और उसके सामने यहां लिख सकते हैं कि ये 14 सेंटीमीटर है ठीक है बेटा इतना करने के बाद अब आपको इसकी आर एफ और दिखानी है तो यहां पे दो लाइन खींचेंगे और यहां पे लिखेंगे इसकी आर एफ तो यहां पे लिखेंगे आर एफ और आर एफ जो है वो आपकी कितनी है वन बटा हंड्रेड ठीक है ये यहां पे आप एक बट्टा सो आप आर एफ लिख देंगे ठीक ये आप यहां पे एक बट्टे हंड्रेड आर एफ लिख देंगे अब यहां पे एक चीज और बची है जो इसकी मैक्सिमम लेंथ पढ़ी जा सकती है वो आप इसके ऊपर एक लाइन जैसे ये लाइन खींची है ऐसे ही वो लाइन आप एक ऊपर खींचेंगे और वहां पे जाकर के आप लिख देंगे जितनी ये मैक्सिमम लेंथ पढ़ सकती है तो मैक्सिमम लेंथ जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है वो 14 मीटर जो 14 सेंटीमीटर दे रखा है तो फोर्टीन सेंटीमीटर आप वहां पर लिख देंगे और ये जो पढ़ सकती है ये टेन सेंटीमीटर पढ़ सकती है तो इसके ऊपर मैं टेन सेंटीमीटर लिख दूंगा जो कि आपकी मैक्सिमम लेंथ होगी स्केल की तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए जो आप प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन करते हैं ठीक है फ्रेंड तो प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत आसान है एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि एक लाइन खींची है मैंने एलओ एस के बराबर एलओ एस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता है फिर उसके बाद में उतने भाग उसके करने हैं जितनी वो मैक्सिमम लेंथ पड़ सकती है उसके बाद फिर उसके जो छोटा भाग है उसके मैंने दस पार्ट किए हैं क्योंकि एक सेंटीमीटर बराबर दस एमएम होता है और मुझे ट्वेल्व पॉइंट फोर पढ़ना है उस पर तो बारह सेंटीमीटर और चार एमएम पढ़ना है तो एमएम पढ़ने के लिए मुझे एक सेंटीमीटर के दस भाग करने पढ़ेंगे उसके बाद ये मैंने दस भाग किए हैं दस भाग जो किए हैं वो आपने ये जो बाघ चौदह किए इससे प्रकार से चाप लगाए जैसे एक लाइन को डिवाइड करते हैं वो सारी चीजें आप अच्छे से सीख चुके हैं फिर उसके बाद इन सभी को परपेंडिकुलर मिलाया इसके दस भाग किए वैसे ही अक्यूट एंगल पे लाइन डालने के बाद फिर से इनको सभी को परपेंडिकुलर मिलाया ये जो हाइट ली ये मैंने पांच एम एम ली है और उसके बाद जो भी लाइनें ली हैं उन सभी से मैंने सभी की डायमेंशन को शो किया है और उसके बाद लास्ट में लिख दिया है ये सारी चीजों को शो करने के बाद आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया है ठीक है और 2019 में एक थ्योरी में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि आर एफ क्या होती है तो आर एफ क्या होती है ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि आर एफ जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्रॉइंग शीट डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन

ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे मैं रफ कर रहा हूं और फिर उसके बाद डायगोनल स्केल आपको मैं बता देता हूं और डायगोनल स्केल का क्या होता है इन सब के बारे में मैं आपको छोटी सी डिटेल दे देता हूँ ठीक है बेटा अगर आपको स्केल के बारे में और ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ना है तो आपको जो है रेगुलर क्लासेस की जो क्लासेस चली हैं हमारी उन पे जाकर के आप देख लीजिए बाकी ये जो आपका 15 डेज का ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है इसमें मेन टारगेट यही है कि आपका 15 दिन में आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराना है जो बच्चे अभी तक बिल्कुल भी इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़े हैं उनका सिलेबस कैसे कवर कराया जाए ये यहाँ पे टारगेट है और जो बच्चे रेगुलर पढ़े हैं उनका रिवीजन कैसे कराया जाए ये यहाँ पे हम एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं और इसके अंदर आपके जो मेन जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप जी जान से मेहनत करते रहिए हमारे साथ लगे रहिए क्लास लेने के बाद खुद से प्रैक्टिस करते रहिए यकीनन आप जो है अच्छे नंबर लेकर के आएंगे इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं और इस चीज के लिए आपको एक तोहफा भी दिया जाएगा जेई क्लासेस परिवार की तरफ से जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया है उसके लिए फॉर्म का जो लिंक है वो खुला हुआ है आप टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन करें वहां पे आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा और उस फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स में ठीक है तो टेलीग्राम चैनल आप जानते हैं टेलीग्राम चैनल है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेज वो आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और उससे ज्वाइन करें वहां से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा जो भी आपका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तीन कैटेगरी रखी गई है एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर कॉलेज टॉपर और एक सब्जेक्ट टॉपर के बारे में है ठीक है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इसको शेयर करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट टॉपर जो है वो सारे बहुत सारे बच्चे निकल के आएंगे और जे क्लासेस परिवार की तरफ से उन्हें एक उपहार दिया जाएगा एक सरप्राइज गिफ्ट होगा आगे देखते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ डायगोनल स्केल के बारे में तो डायगोनल स्केल जो है वो स्केल क्या है बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण मापनी हिंदी में बोलते हैं इसे विकर्ण मापनी और इसकी डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं कि डायगोनल स्केल एक ऐसा स्केल है जो लगातार तीन मापों को पड़ता है लिख लीजिए एक ऐसा स्केल जो लगातार तीन मापों को पड़ता है लगातार तीन मापों को मीटर डेसीमीटर, सेंटीमीटर ये हो सकते हैं किलोमीटर हेक्टोमीटर डेकामीटर ये हो सकते हैं कोई भी तीन लगातार माप हो सकती हैं और अगर एक माप होगी तो उसके सब डिवीजन पार्ट्स और उस सब डिवीजन पार्ट्स के भी सब डिवीजन पार्ट्स उनको पड़ेगा इस बात को कैसे हम समझेंगे कि जैसे अगर आपको 335 मीटर को पढ़ना है तो 335 मीटर में 100 के गुणज कितने तीन 10 के गुणज कितने तीन और एक का गुणज कितना पांच अब आप इन्हें देखिए तो ये कितना हो जाता है तीन सौ पैंतीस आप पढ़ सकते हैं कि एक लाइन आप खींचेंगे पहले आप उसके तीन भाग करेंगे जो कि हर एक भाग सौ सौ पड़ेगा फिर उसके बाद सौ भाग के, के आप दस भाग करेंगे जो प्रत्येक भाग दस दस पड़ेगा फिर उस प्रत्येक दस भाग के आप दस भाग करेंगे जो कि प्रत्येक भाग एक एक पड़ेगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि विकर्ण मापने की डेफिनेशन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है और पूछी गई है लास्ट ईयर के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में विकर्ण सिद्धांत पूछा गया है कि विकर्ण मापनी क्या है और इसका सिद्धांत क्या होता है तो मैं बात करने वाला हूं अभी विकर्ण सिद्धांत के बारे में तो विकर्ण सिद्धांत क्या होता है बेटा विकर्ण सिद्धांत कुछ नहीं है बस एक जो ऐसी चीज है जो आपने अभी तक नोटिस नहीं की है और आप जो है उसे हमेशा से देखते आ रहे हैं कैसे क्या आपको तो बहुत छोटी लाइन है ये छोटी सी लाइन है इसके आपसे कहा जाएगा दस भाग कर दीजिए ठीक है और इसको मैं और छोटा कर देता हूँ ये छोटा मैंने कर दिया कहेंगे सर इसके जो बहुत अगर मैं इसके दस भाग करूंगा तो बहुत छोटे छोटे दस भाग होंगे लेकिन लेकिन अगर इसके दस भाग मैं विकर्ण सिद्धांत से करूंगा तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूं विकर्ण सिद्धांत क्या है कि किसी भी आयत देखो इसे आयत में बंद कर लेते हैं ठीक है एक आयत में मैंने इसे बंद कर लिया और आयत में बंद करने के बाद में उसका विकर्ण मैंने मिला दिया यहां से पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया अब क्या करना है आपको इस छोटी लाइन के दस भाग करने तो आप इस छोटी लाइन के दस भाग न करके इसके विकर्ण के भाग कर लीजिए इसके विकर्ण के दस भाग तो आसानी से कर लेंगे सर इसके भाग तो बड़े आसानी से हो जाएंगे ये तो काफी बड़ी लाइन है तो ये बड़ी लाइन है तो इसके दस भाग कर लीजिए कैसे करेंगे कि एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ ठीक है नौ निशान मैंने लगाए दस भाग हो गए कि एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस भाग हो गए सर अब इसमें जैसे ही आपने इसके विकर्ण के दस भाग किए इसके इस इसल लाइन के दस भाग खुद ब खुद हो गए कैसे हो गए देखिए कैसे हो जाते हैं अगर आपको इस छोटी लाइन पे पांच पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे आप? आप यहां से पांच पढ़ लीजिए एक दो तीन चार पांच ये पांचवा हिस्सा है मेरा और इस पांचवें हिस्से को मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो ये जो मेरा हिस्सा है ये इसका मिड पॉइंट आ जाता है समझ गए बात को नहीं कि नहीं समझे कि यानी कि अगर ये हिस्सा मेरा पांचवां है एक दो तीन चार पांचवा है तो ये हिस्सा भी पांचवां होगा ऐसे ही अगर ये वाला हिस्सा मेरा देखो ये कितना है पांच छह सात आठवां हिस्सा ये है तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं 90 डिग्री पे तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो मेरा आठवां हिस्सा होगा ऐसे यहां से मैं डालूंगा तो ये वाला जो हिस्सा होगा मेरा नवा हिस्सा होगा ये वाला जो हिस्सा होगा वो दसवा हिस्सा होगा बात समझ में आई है कि नहीं आई है तो विकर्ण सिद्धांत क्या है विकर्ण सिद्धांत कुछ नहीं है किसी भी आयत के विकर्ण के आप जितने भाग कर देते हैं उतने ही भाग उसकी ओरिजेंटल लाइन के खुद बखुद हो जाते हैं ये विकर्ण सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पे जो है विकर्ण स्केल काम करता है अब नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो उसमें हम विकर्ण स्केल को अच्छी तरीके से और पढ़ेंगे और विकर्ण स्केल से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो बेटा आज आपका काम क्या है होमवर्क में आज आपका काम यह है कि आप प्लेन स्केल को अच्छे से पढ़ेंगे और उसका कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे खुद से दो क्वेश्चन कम कम से कम करेंगे और जब नेक्स्ट क्लास में आप, आप आएंगे तो वेल प्रिपेयर्ड होकर के कि मैंने प्लेन स्केल अच्छे से पढ़ लिया है डायगोनल स्केल की डेफिनेशन मुझे पता है डायगोनल स्केल का मुझे सिद्धांत पता है अब सिर्फ मुझे डायगोनल स्केल का कंस्ट्रक्शन और उसके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस देखने हैं और बेटा इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके लिए आप अपने नजदीकी किसी भी बुक सेलर पे जाकर के प्रकाश पब्लिकेशन का आप सॉल्व पेपर खरीद सकते हैं जिसमें कि लास्ट टेन ईयर्स के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं विद सॉल्यूशन और आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ के जाते हैं तो आप एग्जाम में गारंटेड बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और 50 में से 50 नंबर इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेकर के आए ये जो सॉल्व पेपर है प्रकाश पब्लिकेशन के नाम से ये हिंदी वालों के लिए है अगर जो बच्चे इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए जो प्रकाश पब्लिकेशन का ग्रेविटी प्रक जो है वो आप लेकर के आइए और आप पिछले टेन ईयर्स के जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को आप सॉल्व कर लीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा और मजबूत बना लीजिए लास्ट में मैं आपसे कहता हूं कि जो भी आपका ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है आपको इसे एक भी दिन स्किप नहीं करना है बेटा पंद्रह दिन मात्र आपके एग्जाम में बचे हैं डेली आपको इसको चाहे रिवीजन के तौर पर पढ़िए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इसको तैयारी के परपज से पढ़िए लेकिन आपको इसको स्किप नहीं करना है एक भी दिन मात्र पंद्रह दिन तक बस आपको तैयारी करनी है और पंद्रह दिन तैयारी करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा सेमेस्टर एग्जाम में आप खुद गवर्नमेंट महसूस करेंगे आपको खुद प्राउड फील होगा खुद पे और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट टॉपर बनते हैं या ब्रांच टॉपर बनते हैं या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनते हैं तो आपको प्रोत्साहित करने के लिए जेई क्लासेस परिवार आपको एक बहुत अच्छा खासा उपहार देगा जिससे कि आपको प्राउड फील होगा आपकी जो फोटो है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी सोशल मीडिया पर आपके नाम के साथ आपके फोटो के साथ आपके कॉलेज के नाम के साथ जो है पब्लिश कराई जाएगी जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा तो आप जो है मेहनत से पढ़ाई करते रहिए मात्र पंद्रह दिन की बात है मात्र पंद्रह दिन अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए सब कुछ भूल जाइए कोई यारी दोस्ती नहीं सिर्फ पढ़ाई करनी है और यारी दोस्ती में भी सिर्फ पढ़ाई की बातें ही करनी अपने दोस्तों को जो भी शेयर करना है तो बस पढ़ाई से रिलेटेड बातों को शेयर करना है तो बस इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत पढ़ते रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ रोजाना इस ब्रह्मास्त्र बैच में बने रहिए अब मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत